सर मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले जितेश दुबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पिक्चर में मुझे संगीतकार के रूप में इन्होंने साइन किया है। बहुत खुश हूँ मैं। काफ़ी दिन के बाद इन्होंने पिक्चर स्टार्ट किया है और मुझे ऑफर किया इस पिक्चर के लिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करूँगा अच्छा गीत संगीत बनाने की, कि आपको मालूम है कि इस टाइम थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है, लेकिन उससे अलग कोशिश करूँगा बनाने की। हमेशा अलग गाना बनाने की कोशिश हमेशा किया हूँ, आप लोग भी मालूम है। तो इस बार थोड़ा और मेहनत करूँगा ताकि अच्छा गाना बने और घर घर में सुने। जी जी सर, देखिए हर काम चुनौती है, हर समय चुनौती होती है कि नया करना पड़ता है हमेशा। मैं हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ कि आप जब तक चुनौती नहीं लेंगे तो आपका अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैं हर काम को चुनौतीपूर्ण लेता हूँ और कोशिश करना हो कि अच्छा गाना बनाओ। इसमें मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। जितेश जी के बारे में, पायल जी के बारे में और जी करें क्या कहना चाहेंगे कि ये सब निर्माता निर्देशक और प्रेजेंटर हैं, तो किस तरह से उनको आप सपोर्ट करेंगे? जी मैं सबसे पहले जितेश दुबे जी और पायल दुबे को मैं धन्यवाद देता हूँ और अजय जी को भी धन्यवाद देता हूँ इस पिक्चर के लिए मुझे उन्होंने चुना। और मुझे उम्मीद है कि लोग बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है। और जितेश दुबे जी के बारे में मालूम होगा आपको कि पहले भी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्म दी है। और अजय जी के बारे में मैं बता दूं, उनके साथ मैंने ठोक दे पिक्चर किया था पवन सिंह और अक्षरा सिंह, तो वो भी काफ़ी पिक्चर चली थी, गाना भी हिट हुए थे। और ऑलरेडी मैं अजय जी के साथ 3-4 पिक्चर मूवी कर रहा हूँ, अभी शूट होके आया है और देखिए ये भी हो रहा है, तेरी आँखों में वो जादू है। तो जादू को मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह वो टाइटल सॉन्ग बनता है, कि दिमाग में मेरे घूम रहा है अभी तो मैं देखा हूँ कि टाइटल ले है, तो कोशिश करूंगा कि अच्छा बनाओ गाना। पिछला साल और ये साल भी काफ़ी मुश्किल रहा है, तो आपका कैसा सफर रहा, मतलब किस तरह से काम किया आपने, काम था भी या नहीं था, किस तरह का काम किया, जो भी काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट किया? सर प्रोजेक्ट तो काफ़ी हाथ में है, जैसे आपको मालूम है पिछला लॉकडाउन में सबकी स्थिति खराब थी, उसके बाद कुछ पिक्चर में 4-5 पिक्चर मैंने स्टार्ट की तो सब आधे अधूरे रह गए, फिर लॉकडाउन लग गया। तो अभी करीब 20 तारीख से कोशिश है कि सारे पिक्चर को कंप्लीट करके दूं और ताकि आगे शूटिंग हो उसका। और ये भी अभी आया 2-3 पिक्चर और अब नई मूवी मैंने साइन किया है, तो उस पर भी अभी काम चालू है, वो सबको पूरा करूंगा मैं जी। थैंक प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।